पूरे शरीर पर इतना भारी वजन लेकर लड़ाई करते थे। आजकल के जो इंसान है उनका खुद का ही वजन 40-60 किलो होता है, और ये जो छोटे साइज के दिखाई दे रहे दोस्तों इन्हें कहते हैं तुक्के। इन तुक्कों को ना पॉइजन के अंदर रखा जाता था। इस पे देखो ये पूरा एक गोल्ड वर्क किया गया सामने की तरफ, शाही वस्त्र है जो आज भी बचा के यहाँ रखे गए। नागिन जैसी तलवार बनी है यहाँ पे, तो ये कितनी ज्यादा ये कर्व इसमें है। 1212 के वक्त का चंदन की लकड़ी का बना हुआ महाराजाओं का सिंहासन, इस तरह के स्पाइक्स वाले और ये खतरनाक जो ये औजार हैं दोस्तों। महाराजा गंगा सिंह के इस बड़े जूनागढ़ के किले के हम दूसरे कमरे में आ गए, जहां पर काफी सारे और भी हथियार हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। यहां पर भी एक के बाद एक तो कितनी सारी तलवारें यहां पर बचा के रखी गई हैं। और इसी के साथ साथ में यदि आप इस कमरे के आगे वाले हिस्से में आएंगे तो यहां पर आपको अंग्रेजी हुकूमत की बड़ी बड़ी जो गन है, बंदूकें हैं, वो देखने को मिलेंगी। और ये जो सारी बंदूकें हैं ये अपने आप 5 से 6-7 फीट तक लंबी हैं। यहाँ पर मशीन गन आपको देखने को मिल रही है। ये फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में इस्तेमाल में आने वाली गन्स हैं जो यहाँ के राजाओं के पास में अवेलेबल थी। और ये देखिए दोस्तों कितनी सारी गन यहाँ पे रखी हुई हैं। और दोस्तों अब मैं आपको यहाँ के एक शाही कमरे में लेकर आता हूँ, जो एक वक्त पहले महाराजा गंगा सिंह का ड्रेसिंग रूम हुआ करता था, जिसको आज के समय में बना दिया गया है बहुत बड़ा म्यूजियम। यहाँ पर जो पंखे आपको दिखाई दे रहे हैं 1914 के पंखे दोस्तों, ये क्रॉम्पटन पार्किंग कंपनी थी जिनके पंखे यहाँ पे लगे हुए हैं। इनकी पंखुड़ियाँ ऐसे मुड़ी होती हैं और ये आज भी वर्किंग में दोस्तों, इनमें कोई ऑयलिंग की जरूरत नहीं होती है। सामने की तरफ महाराजा गंगा सिंह की एक बहुत सुंदर एक स्टैचू बनाया गया है। यहाँ पर आपको जो ये मिरर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि इसका जो ये वाला पत्थर है ये इटालियन मार्बल है, और इसका जो मिरर है ये विदेश से ही मंगवाया गया था। यहाँ पर देखिए आप कितनी सारी आपको अलग अलग ये जो गन्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं दोस्तों, इन सभी गन्स की यदि हम बात करते हैं तो ये आज भी यहाँ पर रखी हुई हैं। और इसी के साथ साथ में यदि हम दोस्तों देखते हैं इसके इस वाले हिस्से में, तो देखिए इस पूरे पैनल के अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी जो गन्स हैं वो देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, थोड़ा और आगे की तरफ हम चलते हैं, तो आपको दोस्तों मैं यहाँ पर एक ऐसी अद्भुत चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप लोगों ने अक्सर फिल्मों के अंदर बड़ी बड़ी गन्स देखी होंगी। यहाँ पे आप पहले देखिए दोस्तों महाराजा श्री अनूप सिंह जी की बंदूकें। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के चलाना, उसका एग्जांपल यहाँ पे साक्षात तौर पे दिखाता हूँ। इस गन को देखिए आप, यहाँ से शुरुआत होती है इस गन की और तकरीबन 4 मीटर लंबी ये गन है। ये देखिए कितनी लंबी गन है दोस्तों ये, और इसको सच में चलाने के लिए दूसरे व्यक्ति के कंधे की आवश्यकता तो पड़ेगी। और यहाँ से वो कहावत बिल्कुल सही हो जाती है। हॉलैंड की यहाँ पे राइफल वगैरह भी रखी हुई हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। यदि हम थोड़ा सा दोस्तों घूमेंगे ना, तो घूमने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इतनी लंबी लंबी ये गन्स रखी हुई हैं ये सारी, और ये सारी की सारी विदेशी गन है ये। और आज से 100-150 वर्ष पहले बीकानेर की रियासत में ये सारे जितने भी आइटम्स थे शामिल हो चुके थे ये। ये शायद इसमें जो गन पाउडर को भरने के लिए जो स्टिक एक यूज़ होती है, एक स्पाइक सा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लंबी लंबी और गन्स यहाँ पे रखी हुई हैं। और इसके साथ में आप इधर वाले हिस्से को भी देखिए, कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें यहाँ पर आज भी देखने को हमें मिल रही हैं। और मैं ना कुछ वर्क की हुई गन्स दिखाता हूँ आप लोगों को। आइए एक बार यहाँ पर आप देखिए, कुछ विशेषताओं के साथ में भरी हैं ये सारी गन्स। नीचे के जो इनके हत्थे हैं ना, यहाँ पर हाथी दांत का काम किया गया है। और इनकी जो लकड़ी होती है, जो इनके हत्थे होते हैं, वो अखरोट के पेड़ से ही बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह की जो गन्स हैं इनका पैटर्न कितना ज़्यादा यूनिक है। और इस वाले हिस्से में चिमनी जलाने के लिए एक ही पालकी सी दिखाई दे रही है, यहाँ पे लकड़ी वगैरह रखते होंगे ये, ताकि इस पूरे हिस्से में आग वगैरह जलाकर इस कमरे को सर्दी के वक्त में गर्म किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर हमारा तो दिमाग ख़राब हो गया है कि किस चीज़ को देखें, किस चीज़ को छोड़ें, किस चीज़ को कवर करें। अब हम आ जाते हैं दोस्तों पुर्तगाल के डिज़ाइन पर बनाया गया महाराजा गंगा सिंह के समय का दीवान-ए-आम, एक शाही हिस्सा 40 फीट ऊंचा, इतना बड़ा ये हॉल जिसके अंदर काफ़ी सारी खासियत है।
और इन खासियत में से दोस्तों हम शुरुआत करते हैं फिर से यहाँ पे रखी हुई अलग अलग डिज़ाइन की तलवारें। कोई भी तलवार आपको सेम नहीं देखने को मिलेगी। इस पूरे महल को तीन हिस्से में बनाया गया है। नीचे वाला जो वाइट मार्बल है ये इटली का मार्बल है दोस्तों, और ऊपर वाला जो रेड रंग का आपको ये दिखाई दे रहा है पत्थर, ये पुर्तगाल से मंगवाया गया था। इसमें कुछ विशेषता है, अगर आप इनके हर एक दीवार को देखोगे ना तो यहाँ पे काफ़ी बारीक आपको कार्विंग्स देखने को मिलेगी। ऊपर के वाले हिस्से में देखेंगे तो आपको टीक की लकड़ी का काम देखने को मिलेगा, और ये जो टीक की लकड़ी होती है ना दोस्तों ये बहुत मजबूत होती है, कितने वर्षों के बाद भी टिकी हुई है। और ये बर्मा से मंगवाई गई थी, वर्तमान का जो म्यांमार है। ऊपर जो झूमर लगे हैं वो इंग्लैंड के थे, ठीक है। और यदि हम आपकी नज़र सबसे मुख्य यहाँ के आकर्षण बिंदु पर डालते हैं, 1212 के वक्त का चंदन की लकड़ी का बना हुआ महाराजाओं का सिंहासन। दोस्तों ये वही सिंहासन है जिसको महाराजा या कहें राव बीकाजी अपने साथ में लेकर आए थे, और इनकी शुरुआत होती है दोस्तों कन्नौज से। यदि हम थोड़े इतिहास को खंगालते पीछे जाकर तो राठौड़ राजवंश की जो शुरुआती बीज है वो शुरू हुआ था कन्नौज से, फिर गए पाली में, फिर जोधपुर, फिर बीकानेर। और ये जो चेयर यहाँ पे रखी हुई है दोस्तों, ये चेयर है फ्रांस की, जो फ्रांस से यहाँ पर आई थी। और देखिए कितने वर्षों के बाद भी ये जो चंदन की लकड़ी का बना हुआ सिंहासन है आज भी यहाँ पे हमें साक्षात तौर पे देखने को मिलता है। अब हमने देखो बहुत सारे हथियार तो देखे, लेकिन अब मैं आपको है ना एक वास्तविक जो कहावत है जो आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी, तीर और तुक्के वाली, उसको भी थोड़ा सा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। यहाँ पे धनुष और काफ़ी सारी तीर आपको दिखाई दे रही हैं। तीरों के जो ऊपर के स्पाइक्स हैं वो काफ़ी यूनिक हैं, और ये जो छोटे साइज के दिखाई दे रहे हैं दोस्तों इन्हें कहते हैं तुक्के। इन तुक्कों को ना पॉइजन के अंदर रखा जाता था, और जब कभी भी शिकारी बहुत नज़दीक होता था जहाँ से हम धनुष नहीं चला सकते तो ये तुक्के यहाँ लगे रहते थे, इनको निकाल कर ऐसे फेंक देते थे, या फिर आपने देखा होगा जो गुलेल होते उसमें लगाकर हम इनका निशाना साध देते थे। तभी अक्सर लोग कहते कि तीर नहीं तो तुक्का सही, तो एक कहावत वहीं से बनी है जिसको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो इस स्टोन पे काम किया गया है, देखेंगे बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, हिरन, ये पैरट वगैरह देखने को मिलेगा, इसी के अंदर आपको ये मंकी देखने को मिलेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस समय के जो कारीगर थे उन्होंने कितनी शिद्दत से इस काम को किया था। ये पूरा जो हिस्सा है ये सबसे नवीनतम भाग है ये, और ये बनाया गया था यहाँ के जो महाराजा गंगा सिंह जी थे उनकी गोल्डन जुबली हुई थी 1937 में, 50 वर्षीय है। तो इसको 1923 में शुरू किया गया था, और 23 में शुरू करने के बाद से 1937 में जाकर ये जो है आपका समाप्त हुआ था पूरा, यानी कि 14 वर्षों में जाकर ये बना था। यहाँ पर काफ़ी सारी आपको कुल्हाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी, देखिए इनका साइज़ देखिए, इनका रूप देखिए, इनका आकार देखिए, और दोस्तों दिमाग है ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, इतनी सारी चीज़ें देखोगे ना आप। ये देखो चाकू कितने अलग अलग तरह के चाकू हैं, इनकी धार इतनी धारी ये चाकू है दोस्तों, यदि किसी के शरीर पर टच हो जाए तो पूरे शरीर को लहूलुहान कर देंगे। ये इनके वस्त्र हैं भैया, इस पे देखो ये पूरा एक गोल्ड वर्क किया गया सामने की तरफ, शाही वस्त्र हैं जो आज भी बचा के यहाँ रखे गए हैं। इसके बाद में ये देखो सेना के अंदर जो सैनिक लड़ाई के लिए जाते थे ना तो वो सबसे पहले हेलमेट पहनते थे ऊपर की तरफ, ऊपर ये ऐसा लगाते थे, क्राउन सा लगाते थे, चेस्ट पे पहनते थे, ये हाथ और पैरों पर पहनने वाले जो गार्ड्स होते हैं उनको यूज़ किया गया है। और इसके साथ में देखो पूरे शरीर पर इतना भारी वजन लेकर लड़ाई करते थे, आजकल के जो इंसान हैं उनका खुद का ही वजन 40-60 किलो होता है। अब लगा लीजिए यदि आप इन सभी वेट को देखोगे तो इन्हीं का वेट बन जाएगा तकरीबन 40-50 किलो। तलवार अलग से भारी होती थी और इनके भाले अलग से भारी होते थे। ये देखो दोस्तों कितने अलग तरह के ये इक्विपमेंट्स रखे हैं, इनको तो मैंने देखा ही नहीं है, बस कुछ फिल्मों में देखा है इनको मैंने, इस तरह के स्पाइक्स वाले और ये खतरनाक जो ये औजार हैं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ हमें यहीं देखने को मिल रहे हैं। और ये लगा लो कि ऐसी संपत्ति आज देखने को मिली, हमारे तो भाग खुल गए हैं इस पूरे इतिहास को देखकर, इस पूरी चीज़ों को देखकर। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप ये कितने अलग अलग तरह की चीज़ें, भाई मेरे को तो इनके नाम तक भी नहीं पता है कि किस किस के नाम मैं बताऊँ, किस किस के नाम ना मैं बताऊँ, लेकिन सब चीज़ों को देख कर आनंदित हम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें अपने प्राचीन इतिहास को देखने का गौरव आज मिला है। ये देखिए ढाल और अलग अलग खंजर, इन खंजरों के शेप भी अलग है दोस्तों, और ये कुछ गिफ्टेड हैं, कुछ विदेशी हैं। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों अब हम कि और क्या हमें देखने को मिलता है। ये देखिए इन तलवारों के शेप देख रहे हैं आप, नागिन जैसी तलवार बनी है यहाँ पे, तो ये कितनी ज़्यादा ये कर्व इसमें है। और इनमें देखो ये पूरा गोल्ड का काम किया गया है नीचे वाली तलवार के ऊपर, आप देखोगे ना तो पूरी इसकी जो म्यान है, पूरा जो हिस्सा है, ये पूरे का पूरा गोल्ड प्लेटेड है इस पे। तो देखो बल्कि उन्होंने ना बेशकीमती पत्थर भी लगाए दोस्तों इस वाली तलवार पे, तो ये देखिए नीले रंग का, ब्लू कलर का, और ये यहाँ पे ग्रीन कलर का।
तो दोस्तों ये वो इतिहास है जो आज हमें बीकानेर के जूनागढ़ पुराने किले में देखने को मिला है। और मैं तो बस ये कहूँगा कि यदि आप कभी भी जूनागढ़ आते हैं तो इन सभी चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमसे शायद रह गई हों बनानी, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप चलते हैं इसके अगले भाग में, वहाँ जाकर भी काफ़ी सारी चीज़ आपके सामने पेश करेंगे।